हेलो गाइस, नमस्कार। इससे पहले वाले वीडियोज़ में हम मैकेनिक्स पढ़ रहे थे फिजिक्स में, तो उसमें हमारा वेक्टर कंप्लीट था। वेक्टर के बारे में हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे एकेडमिक वाले बच्चों के लिए भी और जो कंपटीशंस वाले बच्चे हैं उनके लिए भी, मैंने उसमें आपको एक ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज के द्वारा भी एक्सप्लेन किया था। उसके बाद हम वेक्टर के बाद हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ था प्रक्षेप का। उसका हमारा इंक्लाइंड प्लेन पे हॉरिजॉन्टल से अर्थात आनत किसी समतल पर या क्षैतिज से, वो सारे पॉइंट्स हमारे कंप्लीट थे। आज के इस वीडियो में मैं आपको आगे वाला टॉपिक मैकेनिक्स में स्टार्ट करता हूँ और मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट बताने वाला हूँ जो एकेडमिक वाले बच्चों के लिए भी और जो कंपटीशन वाले बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले गाइस, मेरे चैनल का नाम और यूट्यूब फिजिक्स वाई सतीश चंद, फिजिक्स वाई सतीश चंद। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज देन यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज। तो यहाँ से आज हमारा मैकेनिक्स का नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूँ, सर्कुलर मोशन। इसको समझना जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है बोथ एकेडमिक वाले बच्चे और जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं दोनों के लिए। इसको वो लोग हिंदी में बोलते हैं वृत्ति या गति, सर्कुलर मोशन। यहाँ से तो इसमें क्या है कि यहाँ पर जैसे अगर कोई भी एक फिक्स पॉइंट है, तो सबसे पहले इसको वह समझना है कि ये गति जो होती है वो कौन से टाइप की होती है, कैसी होती है। तो यहाँ पर एक सिंपल सा बात है, अगर यहाँ पर कोई भी एक फिक्स पॉइंट है और कोई भी वस्तु हो या बिंदु हो जो इस पॉइंट के अबाउट या इस पॉइंट के चारों ओर इस प्रकार से गति करे कि उसकी इस पॉइंट से दूरी फिक्स हो, ठीक है ना, तो इस प्रकार की गति को बोलते हैं सर्कुलर मोशन यहां से। और ये जो फिक्स पॉइंट होता है इसको बोलते हैं उसका सेंटर या केंद्र है, और ये जो फिक्स दूरी होती है इसको बोलते हैं रेडियस, त्रिज्या होती है यहां से, ठीक है ना। तो यहां से इसकी में अगर डिफाइन लिखना है तो इसको मैं लिख सकता हूं कि इट इज द लोकस ऑफ पॉइंट अराउंड ए फिक्स पॉइंट विद ए फिक्स डिस्टेंस। तो यहां से इसको हम बोल सकते हैं कि यह किसी उस बिंदु पथ है जो एक निश्चित बिंदु के चारों ओर गति करता है जिससे उसकी दूरी स्थिर होती है। तो ये पॉइंट आपको समझ रहा है यहां से। तो अब यहां से इसमें क्या करते हैं आगे कि ये जो आपकी सर्कुलर मोशन होती है यहाँ पे इसके टाइप आ जाते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी और यहां से इसका फर्स्ट टाइप होता है और ये सेकंड टाइप होता है। इसमें पहले टाइप में आ जाते हैं एक समान वृत्तीय गति और दूसरा इसका प्रकार आता है असमान वृत्तीय गति। ये आपकी होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और ये होती है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये दो टाइप की होती है। अब इन दोनों में अंतर क्या है और ये एक्चुअली होती क्या है, क्योंकि अगर वस्तु इस बिंदु के चारों ओर, जिस बिंदु को हम बोलते क्या है केंद्र बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, अगर इसके चारों ओर किसी मार्ग पर, वृत्ताकार मार्ग पर गतिमान है तो वस्तु के पास में चाल होती है। तो इसमें केवल फर्क क्या है कि एक समान जब उसकी गति होती है वहां पे तो इसकी चाल स्थिर होती है। चाल स्थिर को हम बोल सकते हैं कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड है। और यहां पर आपका क्या है, अब लेकिन इसमें पॉइंट क्या है कि अगर वेग की बात होती है, अगर हम बात करते हैं कि अगर वेलोसिटी के बारे में, अबाउट वेलोसिटी, जब वस्तु यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हो तो उसकी वेलोसिटी के बारे में अगर बात करते हैं तो इसमें हमको पता है कि जो वेलोसिटी क्वांटिटी होती है वो होती है वेक्टर, ठीक है ना। और वेक्टर क्वांटिटी का अगर
कांस्टेंट या स्थिर होना है तो यहाँ पर उसके लिए दो बातें होती हैं कि उसका जो परिमाण है और प्लस उसकी जो डायरेक्शन है वो दोनों ही स्थिर होनी चाहिए। अगर वेलोसिटी को कांस्टेंट होना है तो उसका मैग्नीट्यूड अर्थात परिमाण और उसकी डायरेक्शन बोथ कांस्टेंट होनी चाहिए। अब यहाँ पर इसमें एक पॉइंट है कि जो एक समान वृत्तीय गति होती है कि जैसे अगर वस्तु यहाँ से स्टार्ट करती है और इस मार्ग के अनुदिश या इस पथ के अलोंग्स अगर घूमती है तो यहाँ पर क्या है कि हर पॉइंट पर उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो चेंज होती है। यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है। तो यहाँ पर वी कैन ईजिली एग्जामिन दैट, यहाँ पर हम आसानी से जान सकते हैं कि जब वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर घूमती है, सर्कुलर कोई ट्रैक होता है, तो वहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो एवरी पॉइंट हर बिंदु पर चेंज होती है। और अगर डायरेक्शन में चेंजमेंट होता है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि उसका वेग में भी परिवर्तन होगा। अर्थात अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी विल आल्सो वेरिएबल, अर्थात जो वेग है वो भी समय के साथ में परिवर्तित होगा। तो यहाँ पर अगर एक समान चाल की बात होती है तो यहाँ पर केवल उसकी जो चाल होती है, चाल क्या है, जो वेग का परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, अगर ऐसे कोई वस्तु घूमती है जैसे कि यहाँ पर 4 मीटर पर सेकंड चाल है, तो अगर उसकी अगर स्पीड फिक्स है अर्थात हर बिंदु पर उसकी चाल 4 मीटर पर सेकंड ही है, तो इस प्रकार की गति को हम बोल सकते हैं एक समान वृत्तीय गति। लेकिन यहाँ पर पॉइंट क्या है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो पॉइंट टू पॉइंट बदलती है, और डायरेक्शन बदलने के कारण यहाँ पर क्या है कि उसकी वेग को स्थिर बोलना इम्पॉसिबल है, अर्थात उसका वेग जो है वो अस्थिर होता है अर्थात वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जब एक समान वृत्तीय गति वो होती है जहाँ पर चाल स्थिर हो अर्थात कांस्टेंट हो, लेकिन जो वेग हो, वेग जो होता है वो परिवर्ती होता है। परिवर्ती का मतलब है वेरिएबल है, और वेरिएबल होता क्यों है, भले उसके उसका मैग्नीट्यूड फिक्स हो लेकिन उसकी डायरेक्शन बदलती है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर हम आसमान की बात करते हैं तो आसमान का अर्थ क्या है कि यहाँ पर इसकी स्पीड जो है, जो चाल है वो बदलती है, परिवर्ती होती है, अर्थात यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि स्पीड वेरिएबल है, स्पीड वेरिएबल है। अब अगर स्पीड ही वेरिएबल है तो यहाँ पर हम सिंपल सी बात है कि वेग भी उसका परिवर्ती होगा, अर्थात वेलोसिटी विल आल्सो बी वेरिएबल, ठीक है ना। यहाँ से क्योंकि वेलोसिटी का अर्थ क्या होता है कि उसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, और जब वेलोसिटी अर्थात वेग के मैग्नीट्यूड की परिमाण की बात होती है तो वो चाल होती है। अब इसमें डायरेक्शन तो चेंज होनी है, चाहे भले वो एक समान हो या असमान हो, और अगर उसके परिमाण में भी अर्थात स्पीड में भी परिवर्तन होता है तो ईजी सी बात है कि वहाँ पे वेग तो परिवर्ती हो गई होगा। तो ये इसके दो टाइप थे। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वर्ड पॉइंट इसमें बताता हूँ वृत्तीय गति में, जहाँ से अब उन लोग को स्टार्ट करना है कि वृत्तीय गति में। मैं आपको पहले इसका स्टार्टिंग से पहले इसका कुछ इंट्रोडक्शन बता देता हूँ जिससे कि आपकी समझ में अच्छे से आ जाता है कि यहाँ पर अगर इसमें ये चीज़ फिक्स है कि इसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है अर्थात वेग की जो डायरेक्शन है वो पॉइंट टू पॉइंट बदलती है, तो यहाँ पर अगर कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गतिमान होती है तो उसके पास में तीन प्रकार के त्वरण होते हैं ओवरऑल। इन सब के बारे में आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में केवल मैं आपको इस टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्शन ही कराता हूं। तो सबसे पहला यहां पर जो आता है वो आता है अवकेंद्रीय त्वरण। अवकेंद्रीय त्वरण को बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन, अवकेंद्रीय त्वरण। दूसरा यहां से आ जाता है स्पर्श रेखीय त्वरण। स्पर्श रेखीय त्वरण दैट इंग्लिश में बोलते हैं इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और तीसरे टाइप का यहाँ पे त्वरण जिसकी चर्चा होती है इस टॉपिक में वो होता है आपका कोणीय त्वरण, एंगुलर, ठीक है ना। तो ये तीन टाइप के आपके यहाँ पे त्वरण होते हैं। तो यहाँ पर इसको थोड़ा इंट्रो में आपको बताता हूँ, टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, त्वरण के प्रकार।
ठीक है ना, यहाँ से। अब ये जो तीन टाइप के द्रण होते हैं इनके बारे में मैं आपको यहाँ पर इतना बताने वाला हूँ कि ये कौन से प्रकार की वृत्तीय गति में उत्पन्न होता है, ये कौन से प्रकार की में होता है और ये कौन से प्रकार की में होता है, और इन तीनों के फंक्शंस क्या क्या होते हैं, अर्थात इन तीनों के काम क्या क्या होते हैं। तो यहाँ से सबसे पहला पॉइंट क्या है, अवकेंद्रीय के बारे में अगर मैं बताता हूँ तो इसके बारे में पॉइंट नंबर पहला क्या है, यहाँ पे पॉइंट नंबर पहला आपको समझना है कि यह हमेशा केंद्र की ओर कार्यरत होता है, हमेशा केंद्र की ओर कार्यरत होगा, अर्थात इसको आप बोल सकते हो कि ये हमेशा रेडियल वेक्टर अर्थात त्रिज्य सदिश के अनुदिश होता है ऑलवेज, अर्थात ये अगर यहां पर सेंटर है तो ये हमेशा ऑलवेज इसके अलोंग आर वेक्टर के अनुदिश होता है एट एवरी पॉइंट, हर बिंदु पर यहां पर केंद्र की ओर ऐसे करके, ठीक है ना। और इसका सेकंड वन पॉइंट क्या है, सेकंड वन पॉइंट इसका ये है कि इसके बिना जो वृत्तीय गति है वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि यही वस्तु को केंद्र से बांध करके रखता है। अब ये दूसरी बात है कि ये जो उत्पन्न होता है त्वरण वो कौन से बल से है, वो कंडीशन के हिसाब से अलग अलग है। तो यहां पर क्या है कि ये इसका दूसरा पॉइंट ये है कि इसके बिना विदाउट दिस, इसके बिना वृत्तीय गति असंभव है, अर्थात इसके बिना किस कोई भी बॉडी का सर्कुलर ट्रैक पे घूमना या गतिमान होना इम्पॉसिबल है। तो यहाँ से इस चीज़ को भी आपको समझना है, अर्थात इस चीज़ का सीधा सा सेंस क्या है कि चाहे वृत्तीय गति एक समान हो असमान हो, ये अवकेंद्रीय त्वरण अर्थात सेंट्रीपिटल जो है इसका होना एसेंशियल है, अर्थात ये होगा ही होगा। तीसरा पॉइंट इसके बारे में आपको समझना है कि इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है। इसका काम यह है कि यह केवल वेग की दिशा बदलता है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि इट चेंजेस ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये केवल वेग की दिशा को ही बदलता है, इतना आपको समझना है यहां पे। अब इसके बाद में यहां से आपको नेक्स्ट वर्ड पॉइंट समझना है, क्योंकि अगर ये होता है सेंटर की ओर कार्यरत केंद्र की ओर और वेलोसिटी वेक्टर होती है स्पर्श रेखा के अनुदिश, तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि जो बल वेग के लंबवत होते हैं वो केवल उसकी डायरेक्शन बदल सकते हैं, उसका परिमाण बदलना इम्पॉसिबल है, अर्थात जो फोर्स जो है वो वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर होंगे, दे विल चेंज ओनली इट्स डायरेक्शन, दे कैन नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो इसके द्वारा आपको समझना क्या है कि अवकेंद्रीय त्वरण का इसका संकेत होता है AC, इसका फंक्शन एक्चुअली क्या है कि ये जो वेग की डायरेक्शन को बदलता है, ठीक है ना। और यहां पर इस चीज को भी आपको समझ लेना है कि यह वेग का परिमाण नहीं बदल सकता, अर्थात उसका मान या उसका मैग्नीट्यूड या उसकी वैल्यू परिमाण नहीं बदल सकता है। ये पॉइंट भी आपको समझ रहा है यहां से, तो इट कैन नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड, कांट चेंज मैग्नीट्यूड, ये परिमाण नहीं बदल सकता। दूसरी और इसके बाद इसमें नेक्स्ट वन पॉइंट क्या है कि ये चाहे आपकी वृत्तीय गति असमान हो या एक समान हो, या दोनों प्रकार की वृत्तीय गति में इसका होना एसेंशियल ही है, क्योंकि इसके बिना वृत्तीय गति होना इम्पॉसिबल है। इसके बाद और इसके बारे में पूरा ब्रीफ इससे आगे वाला जब इसका टॉपिक है उसमें अपन लोग पढ़ेंगे। इसके बाद आता है स्पर्श रेखीय त्वरण, तो इसमें पहला पॉइंट आपको मैं बताता हूं कि यह हमेशा स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है, ठीक है ना, हर पॉइंट पे अनुदिश होता है, ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट एट एवरी पॉइंट, हर बिंदु पर ये अलोंग टेंजेंट एट एवरी पॉइंट, हर बिंदु पर स्पर्श रेखा के अनुदिश होता है,
और दूसरा पॉइंट आपको समझना है कि ये केवल तब उत्पन्न होता है जब वस्तु की चाल में परिवर्तन होता है, और जब चाल में परिवर्तन होगा तो उस प्रकार की वृत्तीय गति को हम बोलते हैं असमान वृत्तीय गति। तो यहां पर हमें लिखना है कि यह असमान वृत्तीय गति में, असमान वृत्तीय गति में उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। तो यहां पर लिख सकते हैं अराइज इन अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर एक समान वृत्तीय गति होती है तो स्पर्श रेखीय त्वरण अर्थात एटी की वैल्यू जीरो आती है, ठीक है ना। क्यों आती है? क्योंकि इसका काम क्या है कि यह केवल वेग का परिमाण बदलता है, यह केवल वेग का परिमाण बदलता है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि इट कैन चेंज ओनली मैग्नीट्यूड, और ये मैग्नीट्यूड ही क्यों बदलता है, डायरेक्शन इसके द्वारा बदलना इम्पॉसिबल क्यों है, क्योंकि ये वेलोसिटी वेक्टर के पैरेलल में होता है। और ये चीज हमको हमेशा कन्फर्मली याद रखनी है कि जो फोर्स वेलोसिटी के पैरेलल होते हैं वो केवल उसका मैग्नीट्यूड या परिमाण या उसकी वैल्यू बदल सकते हैं, दे कैन नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। उनके द्वारा उसकी डायरेक्शन बदलना इम्पॉसिबल है जो वेलोसिटी के पैरेलल होते हैं, ठीक है ना। तो यह केवल वेग का परिमाण बदलता है। और इसमें इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि यह डायरेक्शन या दिशा नहीं बदल सकता, दिशा नहीं बदल सकता, इसके द्वारा उसकी डायरेक्शन नहीं बदली जा सकती है क्योंकि ये वेलोसिटी के या वेग के पैरेलल होता है। और ये भी आपको समझना है कि ये केवल असमान वृत्तीय गति में ही उत्पन्न होता है। इसके बाद आपका आता है थर्ड वन, कोणीय त्वरण, इसका सिंबल है अल्फा यहाँ पे, ठीक है ना। और इसमें आपको समझना क्या है कि जो कोणीय त्वरण होता है यह स्पर्श रेखीय त्वरण के साथ ही उत्पन्न होता है। अगर स्पर्श रेखीय त्वरण की वैल्यू जीरो है तो कोणीय त्वरण की वैल्यू भी जीरो होगी, क्योंकि सिंपल सी बात है, इसका काम क्या है कि जो रेखीय वेग में परिवर्तन करना, और इसका काम क्या है कोणीय वेग में परिवर्तन करना, ठीक है ना, उसके परिमाण में। तो यहाँ पर क्या है कि इसको हम बोल सकते हैं कि यह असमान वृत्तीय गति में उत्पन्न होता है, असमान वृत्तीय गति में उत्पन्न होता है। उसका मतलब इट एग्जिस्ट ओनली ऑन इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओनली। इसके बाद क्या है यहाँ पर, इसका काम क्या होता है कि ये कोणीय चाल में परिवर्तन करता है, कोणीय चाल में परिवर्तन करता है। इट चेंजेज एंगुलर वेलोसिटीज मैग्नीट्यूड, उसके परिमाण को बदलता है कोणीय चाल को। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसका संकेत अल्फा बराबर डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, अर्थात कोणीय चाल में परिवर्तन बटे समय, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पर क्या है कि ये एटी के को एडजस्टेंट, अर्थात जहाँ जब स्पर्श रेखीय त्वरण होता है तो वहाँ पर कोणीय त्वरण भी एग्जिस्ट होता है, अर्थात उत्पन्न होता है। तो यहाँ से आपका ये मैंने आपको बताए थे तीन प्रकार के त्वरण थे और वृत्ति गति की परिभाषा बताई थी। इसके बाद में हम इस टॉपिक का स्टार्ट करेंगे, इस पॉइंट को, यहाँ से वाले इस टॉपिक को वी विल स्टार्ट इन अवर नेक्स्ट वीडियो, कि यहाँ से हमें कैसे कैसे आवर्त काल के बारे में, टाइम पीरियड के बारे में, कोणीय चाल के बारे में और भी जो उनके बारे में सभी जो पॉइंट्स हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में। तो यू हैव टू कीप वॉचिंग माई वीडियोज। ओके गाइस, थैंक यू।